नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि एक ही समस्या या फिर विचार को हमेशा सोचते रहते हैं और उसे सोच सोच करके अपने जीवन को पूरी तरह से दुखी बना लेते हैं। अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में अपनी समस्याओं को लेकर के ज़्यादा सोचते हैं तब आज की इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि अपनी आज कि इस वीडियो में आप लोग जानेंगे एक ऐसी बुद्ध कहानी के बारे में जो कि आपको आपकी लाइफ से हमेशा चिंताओं के लिए मुक्त कर देगी और आप भी अपनी लाइफ में अधिक सोचने की बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, ये कहानी है एक लड़के की जो कि अपने साथ हुई बुरी घटनाओं के बारे में हमेशा सोचता रहता था और उसे सोच सोच करके हमेशा परेशान रहा करता था। उसे एक बार एक व्यक्ति देखते हैं और उसकी मनोदशा को अच्छे से समझ जाते हैं। वह व्यक्ति उस लड़के के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ पास में ही एक बौद्ध मठ है, वहाँ पर एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम्हें उनसे जा कर के मिलना चाहिए और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताना चाहिए। वह लड़का उन सज्जन की बात को मान लेता है और पास में बने बौद्ध मठ में जाता है और वहाँ पर जा कर के उन बौद्ध भिक्षु से मिलता है, जिसके बाद वो उन बौद्ध भिक्षु को अपनी सारी बातें बता देता है। वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस लड़के की मनोदशा को अच्छे से समझ जाते हैं। बौद्ध भिक्षु अपने हाथ में एक पानी का ग्लास पकड़ते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि अगर मैं इस पानी के ग्लास को अपने हाथ में थोड़ी देर पकड़े रखूं तो क्या होगा। बालक उस चीज़ को देखता है और कहता है कि अगर आप इस पानी के ग्लास को थोड़ी देर अपने हाथों में पकड़े रखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और दोबारा से उस बच्चे से पूछते हैं कि अगर मैं इस पानी के ग्लास को कम से कम 3 घंटे अपने हाथों में पकड़े रखूं तो क्या होगा। बच्चा कहता है कि अगर आप 3 घंटे तक इस पानी के गिलास को अपने हाथों में पकड़े रखेंगे तो आपको थोड़ा दर्द होगा। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और फिर दोबारा से उस बच्चे से प्रश्न करते हैं कि अगर मैं शाम तक इस पानी के गिलास को अपने हाथों में पकड़े रखूँ तो क्या होगा। बच्चा आप ही सोचता है और कहता है कि तब आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगेगा। बौद्ध भिक्षु फिर से मुस्कुराते हैं और तीसरी बार उससे सवाल करते हैं कि अगर मैं इस पानी के गिलास को पूरे दिन अपने हाथों से पकड़े रखूं तो क्या होगा। बच्चा तुरंत कहता है कि तब आपको बहुत ही भयंकर और असहनीय दर्द होगा, जिसके कारण आपको कई तरह की परेशानियां होने लगेगी। बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे साथ भी तो यही है, किसी विचार को सोचना बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि विचार हमारे मन में सहज उत्पन्न होते हैं और वो हमें हमारी परिस्थितियों से प्राप्त होते हैं, लेकिन जब हम उस विचार में बंध जाते हैं तब हम अपने जीवन को पूरी तरह से नष्ट करने लगते हैं, क्योंकि वही विचार हमारे मन में हमेशा जूझते रहते हैं, जिससे ना सिर्फ हम अपने वर्तमान को खराब करते हैं बल्कि हमारा आने वाला भविष्य भी उस विचार से संक्रमित होकर के पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तुम्हारे विचार भी इस पानी के ग्लास की तरह ही हैं। अगर तुम अपने विचार को थोड़े समय के लिए मन में रखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर तुम पूरे समय के लिए उसी विचार से बंध जाओगे तो इस पानी के ग्लास की तरह उसका भार तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। बच्चा एकदम से ही जागृत होता है और वो इस बात को कहता है कि प्रभु, मैं अब समझ गया हूँ कि आखिरकार मेरे जीवन में किस प्रकार की दिक्कत है और मुझे अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने विचारों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब परेशानी आती है तब हम उस परेशानी को सिर्फ परेशानी ना समझ करके उसे भार बना लेते हैं और उसका सारा भार अपने जीवन पर लाद देते हैं, जो कि हमारे जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। एक बात का ध्यान रखें कि समस्या आपके जीवन में चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अगर वो आई है तो वो चली भी जाएगी। कभी भी उस समस्या को सोच करके अपने मन को दूषित ना करें और ना ही उस समस्या का भार अपने मन पर पड़ने दें।